आपको पता है कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी आने वाले हैं और जन आक्रोश रैली है उसको संबोधित करेंगे और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही अविनाश पांडे भी जायजा लेंगे जगह का जहां पर ये पूरी रैली होने वाली है। हमारे ब्यूरो चीफ योगेश हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। हमारे साथ योगेश जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास, कितनी देर में वहां उस स्थल पर पहुंचेंगे और क्या कुछ वहां पर होने वाला है आज, क्योंकि अविनाश पांडे भी आ चुके हैं। देखिए, अविनाश पांडे जयपुर पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही पिछले दो दिनों से कांग्रेस के प्रभारी सचिव विवेक बंसल जयपुर में हैं और तमाम तैयारियां इस वक्त दिख रही है। अशोक चांदना जी हमारे साथ हैं क्योंकि ये युवा आक्रोश रैली है और युवा आक्रोश रैली को संबोधित करने राहुल गांधी आएंगे कल, तो पूरा दारोमदार यूथ कांग्रेस पर है, दूसरा संगठन एनएसयूआई पर है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चांदना हमारे साथ है, क्या तैयारी है अशोक जी? और क्योंकि राहुल जी उन युवाओं से संवाद करेंगे जो देश के मोदी सरकार की नीतियों से असहमत है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। देखिए, इस बार ये जो कार्यक्रम है, देश में 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई आज तक की सबसे ज़्यादा हो चुकी है, हमारी इकोनॉमी डूम्ड हो चुकी है और ग्रोथ रेट गिर रही है। इन सब मुद्दों से जो प्रदेश में और देश में युवा आक्रोशित है, बेरोजगार होने की वजह से आक्रोशित है, उन सब युवाओं से हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने, एनएसयूआई के साथियों ने संपर्क किया है। तो वो सभी युवा जो इन मुद्दों से, इन बातों से और केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली से आक्रोशित हैं, उन्हीं सबको लेकर हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं ताकि इसका विरोध हो और विरोध केंद्र सरकार तक पहुंचे और वो आने वाले समय में नीतियों में बदलाव करे, क्योंकि यदि इसी प्रकार से केंद्र सरकार काम करती रही तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो नुकसान हो जाएगा वो अगले 10-20 साल तक भी पूरा नहीं हो पाएगा। बेरोजगारी रजिस्टर जारी करने की मांग यूथ कांग्रेस ने की है, पोस्टर लॉन्च कर दिया, कल राहुल जी भी बात रखेंगे, तो क्या है ये पूरा बेरोजगारी रजिस्टर, किस तरह से आप लोग उन बेरोजगारों से संपर्क कर रहे हैं? देखिए, ये एनआरयू प्रोग्राम है जो इंडियन यूथ कांग्रेस ने लॉन्च किया है, ये रजिस्टर फॉर अनएम्प्लॉयड, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो बताएं इसका पूरा डाटा। इस पर केवल एक मिसकॉल देना है, जो भी प्रदेश में देश में युवा बेरोजगार हैं वो उसके ऊपर एक मिसकॉल दें और वो सारे मतलब कहने का यही है कि तैयारी